हेलो फ्रेंड्स, क्षितिज होम ब्लॉग्स में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और अभी मैं कई दिनों से रेसिपी नहीं बना पा रही हूँ, दिक्कत हो रहा है बनाने में। एक तो हमारे यहाँ पे लाइट बिल्कुल नहीं रहता है, और जब लाइट रहता है तो सबसे पहले मसाला पीसना पड़ता है। और मैं कल गई थी मार्केट कुछ सब्जियाँ लाने, ये है लहसुन 140 रुपये किलो। आज मैं आप लोगों को सब्जी दिखाती हूँ, बहुत थोड़ा सा ही सब्जी खरीद पाई। ये शिमला मिर्ची 30 रुपये पाव, उसमें भी ये बेचारा जैसा शिमला मिर्ची है, सूखा पका हुआ बेचारा फटा हुआ, क्या करें, वो क्या कहते हैं उसको, कुकिंग वाले चैनल के लिए भी जो है बहुत मुश्किल समय चल रहा है गाइस। क्योंकि हम लोग जो हैं, हम लोग बहुत ही मिडिल क्लास लोग हैं, और हमारे लिए महंगी महंगी सब्जियां खरीदना बहुत ज़्यादा आसान नहीं है। तो ये है, और ये है ककोड़ी, ये भी 30 रुपया पाव। और ये है गाजर, ये भी 30 रुपया पाव, एक पौवा 30 रुपया। ये वाला एक शिमला मिर्ची जो है, ये पूरा अच्छा लग रहा है लेकिन थोड़ा बड़ा गड़बड़ इसमें भी है। और ये है धनिया की पत्ती, ये है 30 रुपये का 100 ग्राम, ये 10 या 15 रुपये का है ये। और ये है टमाटर, ये भी 30 रुपये पाव। ये है 30 रुपये का ये चाट टमाटर है। और जो मैंने इतना सा ये सब्जी खरीदा, बस इतना ही सब्जी मैं खरीद पाई। इतना सा खरीदने के बाद जो सब्जी दुकान वाले जो भैया थे, उन बेचारे ने बिना मांगे खुद से ही ये हरी मिर्ची दे दिया। मैंने जो इतना खरीदा इसी में उन्होंने खुश होके अपने मन से ये मिर्ची दिया है। तो अभी बहुत मुश्किल है गाइज रेसिपी बनाना, और बिना सामान के तो बनेगा नहीं, तो सामान तो लगता ही है। इसलिए वीडियो बनाने में बहुत मेहनत तो है ही, सभी चीज़ों को काटना पड़ता है, सजाना पड़ता है, टाइम लगता है बनाने में। ऐसे तो खाना इस तरह से बन ही जाता है कि काट लिया बना लिया, लेकिन वीडियो बनाने में सभी चीज़ों को सरियाना पड़ता है, चीज़ों को पूरा करना पड़ता है। तो इसलिए आप लोग सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, और मेरे चैनल पे बने रहिए, और मेरे इंस्टाग्राम पे भी बने रहिए, फेसबुक पे भी बने रहिए। जहाँ जहाँ मैं रहती हूँ सभी जगह आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए और मेरे साथ बने रहिए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए क्षितिज होम ब्लॉग्स को। धन्यवाद, थैंक यू।